सब्सक्राइब करें टेक गार्जियन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो एवरीवन, एंड आज का जो टॉपिक है वो है कैनन 77D वर्सेस कैनन 80D, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि लाइक इन दोनों में से कौन सा लूँ, लाइक कौन सा बेटर है। और उससे पहले मैं प्राइसिंग की बात करूँगा। आप लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा कि यार कैमरा कितने का है, कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो कैनन 80D जो कि अवेलेबल है अमेजोन पे अराउंड 75,000, क्रोमा पे 77,000, फ्लिपकार्ट पे 72,500, जो कि अभी करंट प्राइसिंग है 1855mm लेंस के साथ। और 135mm लेंस के साथ ये 93,000 का है। तो आप खुद ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और रही बात 77D की, तो ये अवेलेबल है टाटा क्लिक पे अराउंड 54,000, अराउंड आप सब कह सकते हैं 55,000, क्रोमा पे 59 और अमेजोन पे 76 विथ 18135mm लेंस। और क्रोमा टाटा में आपको मिल रहा है 1855 का। तो आप खुद ही गूगल कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की इन दोनों कैमरा की। तो बेसिकली दोनों कैमरा आता है 24 मेगापिक्सल APS-C CMOS सेंसर के साथ। और उससे पहले मैं बता दूँ अनाउंसमेंट डेट, कैनन 80D है जो अनाउंस हुआ था वो अराउंड 2016 में हुआ था, फरवरी में, 18th of February में। और 77D है जो कि हुआ था 15th of February 2017, तो अराउंड एक साल का गैप है। कैनन 77D लेटेस्ट है और जो भी इसका सॉफ्टवेयर है वो भी लेटेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको 3 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। इसमें आपको जो कैनन 80D है उसमें आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिल जाता है, लेकिन वो पेंटाप्रिज्म है। और ऑप्टिकल व्यू फाइंडर को जो 77D में मिलता है वो पेंटा मिरर है। ये सब तो बात की बात है, आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले अब ये बात करूँगा रीज़न टू चूज़ कैनन EOS 80D ओवर 77D, क्या डिफरेंस है कि क्यों मैं 80D को लूँ ओवर 77D। तो फर्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं व्यू फाइंडर कवरेज। तो जो व्यू फाइंडर का कवरेज है वो आपको 80D में 100% मिलता है वर्सेस 77D जिसमें आपको सिर्फ 95% मिलता है, लाइक 5% कम है। तो मोर एक्यूरेट व्यू फाइंडर है आपका 80D में। फिर हम लोग बात करते हैं मैक्स शटर स्पीड। तो अगर आपको बहुत फास्ट वाला कोई चीज़ लाइक मोटर स्पोर्ट कुछ हो रहा है, लाइक फ्लाइंग बर्ड किसी का आपको कैप्चर करना फोटो, तो मैक्स शटर स्पीड आपको ज़रूरत होता है, जो कि आपका कैनन 80D में 1/8000 per second वर्सेस आपको 77D में है जो 1/4000। तो अराउंड आपको डबल स्पीड मिल जाता है आपको 80D में एज़ कम्पेयर टू 77D। तो फास्टेस्ट शटर स्पीड है आपका कैनन 80D में। फिर कंटिन्यूस शूटिंग की बात कर ले हम, तो आपको कैनन 80D में 7 frames per second मिलता है वर्सेस आपको 77D में जो कि है 6 frames per second। तो एक फ्रेम का डिफरेंस है और ये बहुत मैटर करता है। फिर हम सबसे अच्छी बात कर लेते हैं बैटरी की। तो एक चीज़ मुझे 80D का बहुत सही लगता है कि इसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, लाइक 960 शॉट आप ले सकते हैं 1 single charge में वर्सेस 77D में जो कि आप 600 शॉट्स ही ले सकते हैं। तो 360 frames का आपको डिफरेंस आ जाता है, तो आप 360 more frames विथ अ सिंगल चार्ज आप यूज़ कर सकते हैं 80D को। फिर हम लोग बात करते हैं हेडफोन पोर्ट का। तो आपको 80D में हेडफोन पोर्ट मिलता है वर्सेस 77D में आपको नहीं मिलता है। फिर इन्वायरमेंटल फीलिंग, लाइक अगर बारिश वारिश थोड़े मरे, मतलब इन्वायरमेंट लाइक ठंडा का मौसम है थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो थोड़ा आपका मॉइस्चर वाला है, तो उससे बचने के लिए आपको इन्वायरमेंटल फीलिंग मिलता है आपको 80D में वर्सेस आपको 77D में नहीं मिलता कुछ भी। तो आप टफ कंडीशन में आप सूट कर सकते हो 80D से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 77D में आ सकता है। फिर हम लोग सेंसर पिक्सल एरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 1% लार्जर पिक्सल एरिया मिलता है आपको 80D में वर्सेस आपको 77D के मुकाबले। फिर एज आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर 80D में पेंटाप्रिज्म है और 77D में पेंटा मिरर है। तो 95% आपका कवर होता है 77D में, 80D में 100% कवर होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं वाई टू चूज 77D ओवर 80D। तो अगर आपको 77D लेना है तो क्यों लेना है, आपको 80D से बेटर है क्यों है, तो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेट की। तो जो आपका 77D का जो वेट है वो 540 ग्राम है, जो कि हल्का है 190 ग्राम
ATD से जो कि है 730 ग्राम। तो थोड़ा हल्का कैमरा इज़ बेटर फॉर व्लॉगिंग एंड कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं डायनेमिक रेंज की। तो डायनेमिक रेंज आपका 70-70 में ज़्यादा है जो कि है 13.3 वर्सेस 13.2, तो हायर डायनेमिक रेंज इज बेटर। फिर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो 70-70 थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ATD। फिर ब्लूटूथ की बात करते हैं तो आपको 70-70 में ब्लूटूथ मिलता है वर्सेस ATD में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन की। तो डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको 70-70 में मिलता है बट ATD में नहीं मिलता है। तो ये आपका डिफरेंस है। अगर आपको 70-70 लेना है तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और अगर आपको ATD लेना है तो आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलता है। तो अगर आपको ATD लेना है तो ATD ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 70-70, एंड इवन प्राइसिंग भी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ही बात है मैटर होगा ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये डिफरेंस आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसे जाओगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ आप मुझे DM कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब तुरंत देता हूँ। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।